भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर कम कपड़े पहनकर अश्लीलता फैलाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था, जो इंदौर के 56 दुकानों और मैकडॉ चौपाटी का बताया जा रहा था। वहीं इस वीडियो को लेकर इंदौर की कई सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं ने आपत्ति ली थी और सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैलाने वाली युवती के खिलाफ पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन के माध्यम से अपना रोष व्यक्त किया था। इसके बाद बजरंग दल के लक्की रघुवंशी की शिकायत पर पुलिस ने युवती के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तुकोगंज थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह यादव ने बताया कि थाना तुकोगंज क्षेत्र के 56 दुकान में, जहां पर टूरिस्ट और शहर के लोगों की मौजूदगी बनी रहती है, वहां पर कुछ दिन पूर्व एक युवती द्वारा कम कपड़ों में वीडियो बनाकर उसे वायरल किया था, जिस पर शहर की महिला संगठनों बजरंग दल के द्वारा आपत्ति ली गई और युवती के खिलाफ अश्लीलता फैलाने की शिकायत की गई है। इस संबंध में उनके भी बयान दिए गए हैं और बयान में यह पाया गया कि युवती द्वारा सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता फैलाने की धारा 296(b)(n)(s) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। भारतीय न्यूज के लिए दीपक छाबड़ा की रिपोर्ट। ये थाना तुकोगंज के अंतर्गत 56 दुकान है, जहाँ पर टूरिस्ट और शहर के लोग आके लगातार गैदरिंग बनी रहती है। वहाँ पर कुछ दिन पहले एक महिला द्वारा अपना कम कपड़ों में वीडियो बनाते हुए और ये वायरल हुआ है, जिस पर शहर के काफ़ी महिला संगठनों ने, जिसमें मातृशक्ति बहन और इन्होंने आपत्ति ली है, उनके द्वारा एक रिपोर्ट की गई है कि इसके द्वारा अश्लीलता फैलाकर वहाँ पर छोम कारित किया गया है। इस संबंध में उनके बयान भी लिए गए और तब ये पाया गया कि ये उनके द्वारा अश्लीलता वाली बात सामने आने पर 296 जो कि BNS में सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता फैलाने वाला प्रकरण, इसको दर्ज किया गया है और प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। इसमें युवती के द्वारा जो प्राइमरी रूप में है वो महिला संगठनों ने और विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों ने यहाँ पर रिपोर्ट की है। आपके गांव, शहर, प्रदेश और देश की चुनिंदा दिलचस्प खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें भारतीय न्यूज चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।